तिप्तियन यूथ कांग्रेस सांस्कृतिक सचिव धोन डूप के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस की फाइनेंस सचिव डिक्की लामो, RTYCC के बीड के वाइस प्रेसिडेंट पेमा स्तेन, पूर्व प्रेसिडेंट शिवांग, सदस्यों ने ग्लायलोपा ध्रुप और शेतुप लीक ने भारत जागरण यात्रा के बारे में SDM वैजनाथ डॉक्टर मुरारी लाल से मुलाकात की तथा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। डिक्की लामो ने कहा कि वे भारत सरकार और भारत की जनता को ये बताना चाहते हैं कि तिब्बत एक ऐतिहासिक स्वतंत्र देश था जिसे विस्तारवादी चीनी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बलपूर्वक तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जो मानवता के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। जनता से यह अपील करते हैं कि वे अपने अपने विधायकों से विधानसभाओं में तिब्बत के मुद्दे को उठाने तथा नैतिक समर्थन प्रदान करने के लिए आग्रह करें। हम भारत सरकार ये है अपील करते हैं कि तिब्बत नीति की समीक्षा कर इस बात को मान्यता दे कि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र देश था जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। हम भारत की जनता तथा तिब्बतियों से यह अपील करते हैं कि वे चीनियों द्वारा निर्मित सामानों का बहिष्कार करें। सचिन धोन धूप ने बताया कि ये अभियान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर 10 दिसंबर को धर्मशाला, सिलीगुड़ी और चेन्नई शहर से शुरू होकर एक महीने तक भारत के विभिन्न 150 शहरों में चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य तिब्बत के मुद्दे को भारत के राजनेताओं से समर्थन जुटाने तथा भारतीय जनमानस को तिब्बत की आजादी के संबंध में जागरूक करना है। इसके तहत विभिन्न गांव, शहर और कस्बों की यात्रा कर सार्वजनिक रैली, प्रेस सम्मेलन, तिब्बत के मुद्दे से संबंधित प्रश्नों का वितरण तथा याचिकाओं पर हस्ताक्षर आदि का आयोजन किया जा रहा है। We are from Tibetan Youth Congress, so we are on the Bharat Jagran Yatra. We're going on to India for on the 150 states. So we are here from the Himachal and then around the 6 states. So we are here, the main thing is to appeal to the Indian people and the government of India to review its policy on the Tibet and to garner the support of Tibetans and issues from the Indian people.